वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू आमना इदरीस व्लॉग्स। आज काफ़ी देर बाद मेरा वेलकम हो रहा है, तकरीबन एक हफ्ते के बाद वेलकम हो रहा है। इसकी वजह भी मैं आपको बताती हूँ क्यों इतनी लेट वेलकम हो रहा है। तकरीबन एक हफ्ता पाँच छः दिन जो है ना मैंने वीडियोज़ अपलोड नहीं की, इसकी वजह भी मैं आपको बताती हूँ कि क्यों नहीं मैंने अपलोड वीडियोज़ की। एक तो आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मेरा मसला है। हाँ जी, तो मेरी तबीयत ज़रा ख़राब थी। यहाँ पर नूर मुझे हंसा रही है, ये देखे कैसी हो आप, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, इसकी तबीयत ख़राब ही रहती है। तो गाइस, हमारे घर में एक न्यू मेंबर आया है। न्यू मेंबर आया है। मैं आपको वो दिखाती हूँ अभी, उसको ना उसकी ज़रा ना वो अकेलापन उसको महसूस हो रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसा है। इसका नाम हम मैंने रख दिया है सिम्बा, जो कि नूर का नाम तो नहीं पसंद, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इसका नाम पसंद आया। अच्छा, आपने बताना है कि मेरा सिम्बा किस तरह का है, ठीक है? ये देखें, ये बेचारा भी ना हमसे बहुत डरता है। हेलो सिम्बा, कैसे हो? से हाय। कुछ दिन पहले मैं इसको लेके आई हूँ, तो अभी मैंने इसका घर वगैरह नहीं बनाया, तो ये ना हम अंदर ही ये घूम फिर रहा था। तो शुक्र है मामा यहाँ पर नहीं थी, मामा यहाँ पर होती तो मेरा कत्ल हो जाना था। सिम्बा ने हमारे न्यू सोफे पे चढ़ के इसने हग दिया। तो यार मैं बहुत परेशान होगी, मैं करूँ क्या? शुक्र है मामा यहाँ पर नहीं थे, मामा यहाँ पे होते तो मामा ने बिल्ले को उठा के बाहर फेंक दिया था। अब इसकी सजा ये है कि मैं इसको ना ये बाहर ओपन एरिया में रखनी हूँ, इसी साइड पर ज़्यादातर रहता है, दिन में घर के अंदर ही रहता है, लेकिन बाहर ज़्यादातर जो है ना बाहर रहता है। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रही थी कि मैं वीडियोस क्यों थी अपलोड करी, मैं आपको ये भी बताती हूँ। वीडियोस में अपलोड इसलिए नहीं थी करी कि मेरे यूट्यूब के साथ एक संगीन मसला चल रहा था। यूट्यूब कह रहा था कि ये जो आप वीडियोस अपलोड करते हो ये आपकी अपनी नहीं है, लोग जाओ कहते हैं कि आमना इदरीस की वीडियोस आप अपलोड कर रहे हो। भाई मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो गई कि यूट्यूब को भी यकीन नहीं आ रहा कि मेरी वीडियोस जो है ना कोई और डाल रहा है। फिर मैंने यूट्यूब को यकीन दिलाया कि यूट्यूब, डियर यूट्यूब, ये मैं ही हूँ। मैंने उनके लिए एक अपील वीडियो बनाई, देन उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आप ठीक कह रही हैं, और उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल दोबारा से मोनिटाइज कर दिया। तो मैंने कहा जब तक मेरा यूट्यूब चैनल मोनिटाइज नहीं है तब तक जो है ना मैं वीडियोज़ ना ही डालूँ, तो वैसे कोई मसला ना आ जाए। तो परसों मेरा मसला ठीक हो गया था, कल मुझे संगीन किस्म की का फीवर था, बहुत संगीन। अब मेरी बहन कही पता नहीं कौन सी उर्दू बोल रही है ये। तो गाइस मुझे फीवर था, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मुझे इंजेक्शन लग रहे थे, 7 इंजेक्शन लग रहे थे, जिसमें से 5 लग गए हैं, 2 रह गए। इंजेक्शन यहाँ पर लग रहे थे, हाथ पे ड्रिप के साथ। अच्छा, बाय द वे गाइस, आज बहुत ही क्या कहते हैं ना, हमने शुगल करना है। शुगल ये करना है कि मैंने नूर से कहा था, नूर मेरे कपड़े प्रेस कर दो, आज मैं करूंगी सेइंग यस टू नूर। आर यू रेडी फॉर सेइंग यस? आपको इन्फेक्शन है, मुझसे दूर रहो ना गाइस। इसके साथ मैंने करना है सेइंग यस चैलेंज, जो कि दरअसल मैंने एक झूठ बोला था, मैं सेइंग यस नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने सेइंग यस किया तो मेरी तो बैंड बच जाएगी। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इससे कपड़े प्रेस करवाने थे। आप मेरे कपड़े देख सकते हैं, नहीं मेरे कौन से प्रेस किए, इसने मेरे कपड़े भी सही तरह से प्रेस नहीं थे किए। मैं दिखाती हूं, चलो ये देखें, ये इसने मेरे कपड़े प्रेस किए हैं। आगे आओ, इतनी दूर चली गई हो। ये देखें, ये इसने मेरे कपड़े प्रेस किए हैं, इस तरह के घटिया इसने प्रेस किए हैं। तो मैं क्यों करूँ इसके साथ सेइंग यस? नहीं, हम चैलेंज करेंगे इरिटेटिंग नूर फॉर 24 आवर्स। 24 आवर्स नहीं, जितने आवर्स बच गए हैं। इरिटेट करोगी, मैं ऐसे करूंगी। तुमने हमारा इरिटेटिंग चैलेंज जो है ना वो स्टार्ट हो गया है, तो अब हम नूर को इरिटेट करेंगे। हमने भी फोन नहीं आंसर करना, हमने बोला है कि अभी वो तुमने मेरे बाल खींचे बहुत उससे, ये नहीं बात होती अब, ये ना वो नहीं ऐड करना। इरिटेटिंग नूर, हम तो सब कुछ जो जो तुम कहोगे ऐड नहीं करना, वो चीज़ें ऐड करेंगे। फिर रिपोर्ट मारूंगी मैं। आप इतनी बदतमीज क्यों हो? क्योंकि मैं आमना इदरीस की बहन हूँ। आप इतनी बदतमीज क्यों हो फिर भी? बाय द वे गाइस, हमने ना न्यू कर्टन्स ले लिए हैं। हर वीडियो में मैं यही बताती रहती हूँ कि न्यू कर्टन्स यार, एक दफ़ा देख ही ले आप हमारे न्यू कर्टन्स। जी जी बिल्कुल। तो घर हमारा कंप्लीट हो गया है, तो हम आपको होम टूर देंगे, बहुत जल्द होम टूर देंगे, ठीक है? आप इसके लिए रेडी रहना है। तो बाय द वे गाइस, आपको एक हसीन हस्तीनी नज़र आ रही होगी, जो कि हीना है। तो मैं बता दूँ, वो बेचारी चली गई हुई है, दुनिया से नहीं चली गई, अपने हॉस्टल चली गई हुई है। तो हम चैलेंज जैसे कि कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, मेरा बाजू टूट गया यार, इतनी देर से मैं ना, तुम्हारी बहन ने मुझे मारा है, पता है तुम्हें? मुझे कह रही है कि
जहाँ इसने पता नहीं क्या बोला है वो वाले क्लिप ऐड नहीं करना वरना मैं रिपोर्ट करूंगी। वो क्लिप लाजमी ऐड करने, जो ये क्लिप कहेगी ना नहीं ऐड करने, वो क्लिप लाजमी ऐड करने हैं। बेचारी इस ख्याल में बैठी थी कि आज हम इसके साथ शेंग शेंग यश करेंगे, तो मैं कौन सा इरिटेट होंगी? हाँ इरिटेट नहीं होगी, हाथ नहीं लगाना मुझे। आज मैं सब बहुत इरिटेट करूंगी, बस इसके चक्कर में मेरा सारा गुजारा फट सकता है। मारते जाओ, हाथ लगाते जाओ। मैंने बस ऐसे ही रखा, गाइस ये देखिए, छोड़ो ये देखिए, मैं इसको हाथ लगा रही। आज मैं आपको बताऊंगी इसकी लास्ट लिमिट क्या है इसकी। ये देखिए मैं इसको हाथ टच कर रही हूं। आपके बहुत मेहरबानी, मामा भी घर पे नहीं है तो इसको नाराज करा कर बिठा। अब ये नहीं चैलेंज करना, मैंने इरिटेट हो रही है ना, आप बताए इरिटेट हो रही है ना, ये बस इसको ऐसे टच करने से भी इरिटेट हो रही है। नूर आप कोई रिस्पांस नहीं तो होना बॉल खींचे कि मैं चौथी दवा पाने हैं। मैं बीमार, मुझे सांस लेने दो। आप सही कब होती हो हैं? जब से आपने चैनल शुरू किया तब से आप बीमार ही हो। अच्छा तो मैं गाइस को बता रही थी कि यूट्यूब ने मेरे साथ क्या हरकत की है। यूट्यूब कहते हैं आप में दृश्य नहीं हो। तो ये था, अगर आपके साथ भी ऐसा मसला हो तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आप जिस तरह मैंने टेंशन नहीं ली, 7 दिन मैं रिलैक्स रेस्ट किया है मैंने प्रॉपर। हाँ सारी टेंशन मुझे थी। हाँ जी आयशा, आयशा तो दुआओं में भी अल्लाह यूट्यूब सही हो जाए। फिर से पता करवाया तो इस मैडम ने अपनी टिकटॉक पे अलग मेल लगाई है और यूट्यूब पे अलग मेल लगाई है, इंस्टा पे भी अलग लगाई थी, हर जगह अलग थी। तो उन्होंने तो यही कहना था ना कि ये अलग अलग यूजर हाँ, है। फिर मैंने सब जगह जो ना मेल अपनी सेम कर दी, तो फिर जो मसला ना हल हो गया। इरिटेट नहीं करना ना भाई, बाहर चल। सही गेस करते हैं, सही गेस करते हैं, मेरी मर्जी में जो मर्जी चैलेंज करूँ। कपड़े देखा कितना घटिया प्रेस कर रही है आमना ने ना नूर को बोला मेरे कपड़े प्रेस करके ला। ऐसे क्या थे, वो जलने लगा था। आमना क्या फायदा तुम्हारे इतने महंगे मोबाइल का, इसमें लाइट ही नहीं ठीक तरह से रहती यार, सेटिंग नहीं सही की हुई और मसला नहीं है, फोन तो बहुत अच्छा कमाल का है। सिम्बा ने जो हरकत की है उसकी वजह से मैं बिल्कुल नहीं पसंद है। क्या उसने भी वो हरकत कर दी? नहीं उसने सोफा के बच्चे के की हुई है, वो तो जानवर है, तुम भी इसके दोस्त जानवर। फिर अभी आमना बेचारी सर फोड़ के अपना मारा, उसके बाद भी आमना ने कपड़ा लिया हाथ से, झूठी कहेंगी काम वाले से करवाई थी घटिया, मैंने उल्टी कर दी उधर। और मामा कपड़े को भी आपने ऐसे से उधर पागल है गदी पागल तो नहीं है सच बोलती हूं। अब तुम मेरी डेट हो रही है, वो तुम्हें कह रही है। मैंने ना इसको 100 रुपया दिया है, झूठ नहीं बोलूंगी, 100 रुपया मैंने इसको दे के साफ करवाया है, ठीक है। इसको 100 रुपया में मान गई, तुझे दे दिया था 100 रुपया में मान गई, कहती ठीक है। बेचारी ने फिर ना नाक पे दुपट्टा बांध के अपनी कहानी नाक खड़ा था आइसक्रीम वाला, ठीक है, कहती है मुझे 100 रुपया दे दो, 100 रुपया मुझे दे दो, मैं साफ कर दूंगी। झूठ बोल रही है, इसकी बात ही नहीं है, मैंने इसको 100 रुपया दिया है, 100 रुपये में बेचारी ने नाक में बांध के। कसम खाओ, कसम पूरी बात है नूर, वादा करो, वादा करो, वादा करो, मैं ऐसी बात करूं, वादा करो, मैं क्यों ऐसी बात, मैं इसकी बिल्ली को आज तक खाद नहीं खाया, उसकी बिल्ली को यार अभी नूर बोलेगी काट दो, बोलेगी काट दो, काटना बिल्कुल भी नहीं है। आज सारे क्लिप्स ऐड हो गया है, नूर मुझे इशारे कर रही है काट दो, चल बाईरा चल वीडियो बना ले, उठ उठ, कट करो पहले क्लिप, कट करो। कौन सी क्लिप कट करो? जो मैंने बोला है। कौन सा बोला? कैमरा पीछे करो जरा मेरे मुंह से। चलो आओ बाहर आओ। मैंने नहीं आया पहले क्लिप कट। इरिटेट भी हो गई, इतनी जल्दी इरिटेट हो गई हो? इरिटेट हो गई, इरिटेट से भी हरकत गलत हरकत कर रही हो। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल एग्जांपल है जैसे कि मैं नहीं कट करो जल्दी यार, क्या कैमरा बंद करो, कट करो, क्या हो गया यार, हाथ छोड़ो, हाथ से कट करो, नेल क्यों नहीं कट करती, कट करो, कट करो। इसकी ब्यूटी देखे गाइस, फिर तुम वही ऐड करियो, तुम्हें बात कर सकते ना, तो एक बार
क्यों वैसे क्यों कटवाती हो हर चीज? जाओ ना मुझे तंग करो गाइस जी वॉशरूम में चल जाके से हम ब्लॉग कर लिया। जब ये वॉशरूम से बाहर आती है हम अगली वीडियो तब रिकॉर्ड करते हैं। अब ये सभी मुझसे कैमरा खुला हुआ है, मैं कह रहा हूं मैंने नहीं बनवानी वीडियो, एक बात ऐसे नहीं होता है तुम दोनों को। सो गाइस ये वाला चैलेंज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि बहुत हैवी लड़ाई हो गई है हमारी। लड़ाई इसी वजह से हुई है कि वो कह रही है कि तुम मेरे साथ इस तरीके से क्यों कर रही हो, मुझे इरिटेट नहीं करो, और उस वो तो मुझे मारने तक आ गई है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं मज़ीद इसको कंटिन्यू करूँ तो मेरा सर फट जाए या कुछ भी मेरे साथ इस तरह से हो जाए। तो जी यहीं पर एंड इसको करते हैं। अगर मैंने यहाँ पर करना होता ना सेइंग यस टू नो, फिर से बहुत आगे आगे आना था, तो क्या कर सकते हैं अब। इतनी से 5-10 मिनट भी नहीं मैंने अभी प्रॉपर किया तो वो तंग आ गया मेरे सर, उसने मुझे मार कुटाई मेरी शुरू कर दिया। तो मैं इसे बस बताती हूँ मेरी आगे तबीयत बहुत ख़राब है, तो छोड़ो इस चैलेंज को, अपनी जान पे खेल के मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है, तो आपने बराए मेहरबानी नूर को कुछ भी नहीं इसमें कहना, वरना उसने मेरे सर पर आ जाना है कि तुमने वीडियो अपलोड किया, और उसने मेरे अकाउंट को रिपोर्ट कर देना। ठीक है, कमेंट में नूर के लिए अच्छे अच्छे से कमेंट कर दो, नूर बहुत प्यारी है, नूर बहुत स्वीट है, नूर बहुत अच्छी है, एटसेट्रा, ये सारे कमेंट कर। गाइस मैंने जो कुछ भी बोला है मैं उसके लिए माजरत करती हूँ, नूर बहुत अच्छी है और जैसा जो कुछ भी मैंने बोला है वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और मैं ये सब कुछ स्क्रिप्टेड नहीं बोल रही, मतलब मैं खुद बोल रही हूँ, मुझसे बुलवाया नहीं जा रहा, नूर बहुत अच्छी है। और वो कट कर दो, और जो नूर ने क्लिप्स गलत क्लिप्स हैं वो मैं डिलीट कर रही हूँ। ओके गाइस ब्लॉग पर यहीं पे एंड करते हैं, होप सो कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा।